और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम अपसेट करके दिखाई देगी, ये नहीं है। हाँ नो डाउट, एक बंदे के ऊपर एक बंदा इंजर्ड हो गया तो बंदा, हमारे जो बॉलर्स है ना वो एवरेज बॉलर है ऑलमोस्ट सारे, कोई भी स्पेशल नहीं है। हाँ फेवरिज्म जरूर चल रहा है कि जो फेवर में आया तो वही चल रहा है। स्पेशल ये होता था कि शुएब अख्तर एक नाम लिख लो, बाकी 10 और लिख लो। मैं 6 साल टीम में खेला हूँ, मैं बोलता था एक नाम लिख लो बाकी 10 और लिख दे आपने। बिल्कुल ये मैंने खुद किया हुआ, मैंने आंखों से देखा हुआ। मोहम्मद आसिफ एक है, बाकी 10 कौन से काउंट करने आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट राशिद शेख। तो खबर कुछ इस तरह है, जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने अपने हस्बैंड वाइफ ट्विटर खोला तो उसमें टॉप ट्रेंडिंग पेज फिक्सर और मोहम्मद आसिफ नाम के ट्रेंड टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे थे। तो मुझे भी वो कैसा क्या हो गया रातों रात के मोहम्मद आसिफ और फिक्सर नाम के ट्रेंड गर्दिश कर रहे हैं। तो जब इस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे 2-3 बातें पता लगी हैं। तो मोहम्मद आसिफ कल रात एक ट्विटर स्पेस पर लाइव थे, तो वो टीवी पे तो कम ही नजर आते हैं, तो उनको कोई बुलाता भी नहीं, जिस तरह का उनका माजी दागदार रहा है। नो डाउट बॉलर बहुत अच्छे थे मगर उनको कोई भी क्रिकेट नहीं खेलती, कभी कभी उनको यूट्यूब पे वीडियोज आती रहती हैं तो उनको कोई बुलाता नहीं। तो वो ट्विटर पर पेश कर रहे थे, उनमें अविनाश आर्यन एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं वो थे, शेब जट हैं जो एयरवाइन मीडिया से उनका ताल्लुक है, एक बहुत ही नेगेटिव किस्म के स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं कराची माफिया के, तो वो उनके साथ ना स्पेस में लाइव थे। तो उनसे कुछ सवालात पूछे गए, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी टीम के बारे में जो सिलेक्शन हुई है तो उनके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने बहुत ही उस पर तनकीद की, उन्होंने कहा बड़ी को फजूल किस्म की सिलेक्शन है, तो डिफरेंट किस्म की बातें की। मगर यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत ही एवरेज किस्म की है, बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की है, कोई भी क्वालिटी का बॉलर नहीं है, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और इसके अलावा जो जो बॉलर टीम में शामिल हैं तो वह इंतहाई कोई फजूल किस्म के, बहुत ही एवरेज किस्म के हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक बात और की, उन्होंने कहा कि बाबर आजम कोई टेक्निकल साउंड बैट्समैन नहीं है, तो मैं आज के दिन में भी, उन्होंने कहा मैं आज के टाइम पे भी ना मोहम्मद जो है बाबर आजम उनको T20 में मैडन आवर फेंक सकता हूँ। तो साथ ही उन्होंने एहसानुल्लाह के बारे में भी एक जरा चस मारी है। तो एक बात की, उन्होंने कहा एहसानुल्लाह से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ना मेरी ख्वाहिश है ना बैट्समैन को ना बाउंसर मारूं। मोहम्मद आसिफ ने कहा बाउंसर ना मारें, आप आगे बॉल करेंगे तो आप ज्यादा विकटें लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ना बैट्समैन को डराना चाहता हूँ, बाउंसर मारना चाहता हूँ शेब अख्तर की तरह। तो ट्विटर स्पेस में बड़ी गंदी गाली देकर मोहम्मद आसिफ कहते हैं तो फिर आउट कैमें करेंगे। तो उसके बाद जो फैंस को गुस्सा आ गया, तो पहली बात ये, अगर आपका मकान शीशे का तो आपको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। मोहम्मद आसिफ नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट थे, बहुत अच्छा बॉलर थे, मगर जिस तरह उनके साथ हुआ, जो उनका कैरियर रहा, तो एक दागदार कैरियर ही कहेंगे। तो अगर इस तरह के कैरियर रखते हो आप इस तरह की बातें करें, बाबर आजम जो इस टीम के या इस कॉम के हीरो हैं इस टाइम, एक टाइम था लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी, तो बाबर आजम आज बहुत बड़े सुपरस्टार है, दुनिया में नंबर वन है। बेशक एशिया कप से एग्जिट टीम का अच्छा नहीं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मगर फिर भी फैन उनके बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते। वो भी एक ऐसे शख्स है जिसका अपना कैरियर माजी में दागदार रहा, वो इस तरह बाबर आजम पर क्रिटिसाइज किए, पाकिस्तान की टीम पर क्रिटिसाइज किए, तो उसके बाद फैंस को आ गया गुस्सा, तो उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई। तो बहुत से लोगों ने उनको फिक्सर बोला, बहुत से लोगों ने कहा कि बेशक वो लीग्स खेल रहे हैं तो वो पाउंड लीगल तरीके से कमा रहे हैं, वो तुम्हारी तरह मुल्क को नहीं बेच रहे। तो जिसका मुंह में जो जबान थी उसने इस्तेमाल की। तो मेरा मोहम्मद आसिफ को यही था कि बहुत अच्छा वो टैलेंट थे मगर वो अपने टैलेंट का इंसाफ नहीं करते, उनका कैरियर दागदार रहा, जिसका उन्हें भी अफसोस होगा, हमें भी अफसोस है, मगर किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपने साथ गलत खुद ही किया और मुल्क के साथ भी किया। तो इस तरह का आप कैरियर रखते हुए जब जो टीम के सुपरस्टार ना मौजूद है उनके बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो आपको इस तरह का रिएक्शन फेस करना पड़ेगा। तो मेरी उनसे हमदर्दाना अपील यही है कि वो अपना थोड़ा लहजा ठीक करें। वो जब क्रिकेट खेलते तब भी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते थे, तो उससे बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह या जो करंट टीम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग बार बार आपके करेक्टर पर कीचड़ उठाएंगे, जिस तरह मोहम्मद आमिर को सराखों पर लोगों ने बैठाया, उन्होंने सरब भी किया मगर जिस तरह उन्होंने टीम को छोड़ा, तो आज तक फिक्सर फिक्सर के जो है डायलॉग उनका पीछा कर रहे हैं। तो मोहम्मद आसिफ से भी ये गुजारिश है कि वो अपनी थोड़ी जबान संभाल के बात करें, जरा सोच समझ के बोला करें। तो वो सुपरस्टार नहीं है, वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनके बैक पे 400 विकटें हों, तो उनके बैक पे मैच फिक्सिंग का बहुत ही भयानक स्कैंडल है,
तो इस तरह की रेपुटेशन के साथ आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि उनके जो करीब दोस्त हैं उनको वो भी इनको यही समझाने की कोशिश करेंगे, तो ज़रा सोच समझ कर बोले। तो इस तरह की फजूल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए अपने होस्ट राशि ऋषि को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।